हे गाइस जिम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्पल के एस ई टू के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि रिसेंटली मैंने कुछ दिनों पहले वीडियो बनाया था एप्पल के एस ई टू के बारे में। ये बताया था मैंने आपको 2020 में आपको ये फ़ोन देखने को मिलेगा। हाँ, ये कन्फर्म है, 2020 में आपको ये फ़ोन देखने को मिलने वाला है। इसकी कुछ इंटरेस्टिंग बातें निकल के आ चुकी हैं। ये और किसी नेम से लॉन्च होने वाला है, जो कि एप्पल का 9 नेम से बताया जा रहा है कि एप्पल का 9, ये आईफोन 9 के नेम से ये आपको इंडिया में देखने को मिलेगा 2020 में। और इसकी क्या स्पेक्स होने वाली है वो आज की इस वीडियो में आपको कुछ जानने को मिलेंगी। चूँकि ज़्यादा कुछ तो निकल के नहीं है, बट थोड़ा बहुत निकल के आ चुकी हैं। तो वीडियो बिल्कुल एंड तक कंप्लीट देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दो, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज जब तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो आईफोन एसई 2 है वो और किसी नेम से आपको इंडिया में देखने को मिलेगा 2020 में। चूंकि बताया चुका हूँ मैं आपको, आईफोन 9 के नेम से आपको ये फोन देखने को मिलने वाला है और टच आईडी टेक्नोलॉजी के साथ में आपको देखने को मिलने वाला है। सिमिलर डिजाइन होने वाली है आईफोन 8 की जैसे ही, उसी डिजाइन में आपको देखने को मिलने वाला है। फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में देखने को मिलेगा और टच आईडी, मतलब टच आईडी के साथ में ये फोन देखने को मिलने वाला है। जैसे कि आप आईफोन 8 की डिजाइन देख सकते हैं, तो उसी डिजाइन के साथ में आपको ये फोन देखने को मिलने वाला है। और हम थोड़ा सा बात कर लें इसकी स्पेक्स की, तो बताया जा रहा है कि इस पर आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है वो 4.7 इंच की टच आईडी डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, जो कि आपको थोड़ा सा छोटी डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, बट अच्छा है, कॉम्पैक्ट फोन रहेगा, बहुत ही अच्छा फोन रहेगा, हल्का सा छोटा फोन रहेगा, तो आपको थोड़ा सा पकड़ने में अच्छे से आप पकड़ पाएंगे। और हम बात कर लें इसके चिपसेट की, तो चिपसेट भी बता चुके हैं कि इस पर आपको एप्पल का बायोनिक A30 वाला चिपसेट देखने को मिलेगा। जैसे कि आपने लेटेस्ट आईफोन्स में देखा है, iPhone 11, iPhone 11 Max, iPhone 11 Max Pro में देख रहा है, वही चिपसेट आपको इस पर भी देखने को मिलेगा iPhone 9 में। तो बहुत ही अच्छी बात है कि इसकी जो iPhone 9 की परफॉर्मेंस होने वाली है वो बहुत ही अच्छी मिल जाएगी आपको देखने को, जो कि कम प्राइस में देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी कि कम प्राइसिंग में आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल चिपसेट। अगर हम बात करें एप्पल के A30 बायोनिक चिपसेट की, तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल आपको ये चिपसेट देखने को मिलता है। इसके मुकाबले अभी तक मार्केट पर कोई भी चिपसेट नहीं है जो कि बहुत ही पावरफुल ये चिपसेट आपको माना जाता है। तो गाइस, हम बात करें इसकी और भी अदर फीचर्स की, तो और तो कुछ निकल के नहीं आया इस फोन के बारे में, बट ये बताया गया है कि इस पर आपको सिंगल कैमरे के साथ में ये फोन आपको देखने को मिलेगा और साथ ही में आपको 4.7 इंच की डिस्प्ले के साथ में ये फोन देखने को मिलेगा और साथ ही में एप्पल के A30 बायोनिक चिपसेट के साथ में ये फोन देखने को मिलने वाला है। और भी कुछ आगे निकल के आता है इस फोन की लीक्स, तो मैं आपको वीडियो के द्वारा जरूर बताऊंगा। और साथ में बताया जा रहा है कि इसका जो काम शुरू होने वाला है वो फरवरी के मंथ में, 2020 फरवरी में आपको देखने को मिलेगा और साथ में ये मार्च तक ये फोन आपको इंडिया में फाइनली लॉन्च होता हुआ दिख जाएगा। और साथ में हम बात कर लेंगे इसकी प्राइसिंग क्या हो सकती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसकी प्राइसिंग बताई जा रहा है कि आपको इस फोन की प्राइसिंग देखने को मिलेगी 28 से 29 हज़ार के बीच में, मतलब $400 के आसपास आपको बताई जा रही है इसकी फोन की प्राइस होगी। तो इससे आप अंदाजे लगा सकते हैं कि 28 से 30 हज़ार के बीच में आपको बेस्ट वेरिएंट देखने को मिलेगा। सो गाइस, आईफोन 9 की इतनी कुछ स्पेक्स निकल के आई थी, जो कि आज की इस वीडियो में मैंने बता दी है, जो कि मेन चीज थी इस फोन का नेम, जो कि नेम आईफोन 9 के नेम से ये फोन आने वाला है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। सो गाइस, आज की इस वीडियो में कुछ इतना ही बताना था। सो वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।